की समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीडरान के इस्तीफों की झड़ी लग गई है। गुज़श्ता दो दिन में दो मुस्लिम लीडरान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साबिक चेयरमैन मोहम्मद कासिम ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं मुसलमानों की आवाज दबाए जाने से नाराज होकर इन तमाम लीडरान ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। यही जवाब दिया है इन्होंने अपने पार्टी छोड़ने का। बड़ा अपडेट आप इस वक्त का देख रहे हैं। बुध को समाजवादी पार्टी के लीडर सलमान जावेद ने इस्तीफा दिया था। अहमर हमारे साथी फोनलाइन पर मौजूद है। अहमर, समाजवादी पार्टी से कई अहम मुस्लिम चेहरे जा चुके हैं, अपने इस्तीफे उन्होंने सौंप दिए और जवाब ये दिया जा रहा है उनकी जानिब से कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीडरान की, मुस्लिम तबके की कोई बात नहीं की जा रही। बिल्कुल मुमताज, देखिए अखिलेश यादव को जो उनकी खामोशी है वो कहीं ना कहीं अब भारी पड़ती नजर आ रही है। और जिस तरीके से लगातार मुस्लिम नेता जो हैं अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, वो चाहे आजम खान का मामला हो, नाहिद हसन का मामला हो या फिर शहजील इस्लाम का मामला हो। आजम खान एक लंबे टाइम से जेल में बंद है और अखिलेश यादव पे इल्जाम लग रहे हैं कि आजम खान को जो जेल में बंद है वो उनकी वजह से बंद है और वो जेल में उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, या जो पैरवी समाजवादी पार्टी की जानिब से हो रही है वो सही से नहीं हो रही है। दूसरी तरफ एक इल्जाम ये नाहिद हसन पे को लेके लग रहा है कि नाहिद हसन के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है तो उसमें अखिलेश यादव खामोश है। शहजील इस्लाम का भी अपने हाल में देखा होगा कि उनकी जो पेट्रोल पंप वगैरह पे बिल्डोजर। ठीक है अहमर, फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे तमाम अहम अपडेट हमारे नासिर तक पहुँचाने के लिए।